हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर बहुत ही आसान सिंगल कलर का पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ इस पैटर्न को आप लेडीज़ एंड गर्ल्स जैकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा आप इस पैटर्न को बॉर्डर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं बन के देखिए बहुत ही सुंदर हमारा ये पैटर्न आ जाता है ये देखिए ये हमारे पैटर्न का फ्रंट साइड है और ये देखिए ये हमारे पैटर्न का बैक साइड इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने ट्वेंटी वन के मल्टीपल में फंदे डालने हैं और प्लस हमने सिक्स फंदे एक्स्ट्रा डालने दस नंबर की सिलाई में हमने इस पैटर्न को बना लेना है और फ्रंट साइड से हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ट होगा दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आइकन दबाना ना भूलें वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें अब हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे और फंदे डालने के बाद हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ट होगा पहला फंदा उतार लेंगे अब पहला फंदा उतारने के बाद देखिए धागा अपनी साइड करेंगे और फ्रंट साइड से हमने फर्स्ट रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है सेम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे और फ्रंट साइड से अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे ये देखिए फ्रंट साइड से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई अब देखिए बैक साइड से सेकंड रो अब सेकंड रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे करेंगे और बैक साइड से हमने सेकंड रो को सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है ये देखिए सेम प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे और बैक साइड से अपनी सेकेंड रो कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए बैक साइड से हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई सेकेंड रो को हमने बैक साइड से सीधा बुनते हुए कंप्लीट किया अब देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो अब थर्ड रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे अब देखिए नेक्स्ट हमने दो फंदे सीधे बुन लेने एक दो ये दो फंदे हमने सीधे बुने दो फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए धागा अपनी साइड करेंगे जाली डालने के लिए और देखिए इक्कीस बंदे सीधे ढूँढ लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस और इक्कीस ये इक्कीस फंदे हमने सीधे बुन दिए जाली डालने के बाद हमने इक्कीस फंदे सीधे बुने इक्कीस फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए नेक्स्ट हमने यही प्रोसेस रिपीट करना है धागा अपनी साइड करेंगे जाली डालने के लिए और नेक्स्ट हम इक्कीस फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह 18, उन्नीस बीस और इक्कीस इक्कीस फंदे हमने सीधे बुने अब देखिए यहाँ पे हमने ये एक जाली डाली और इक्कीस फंदे हमने ये सीधे बुन दिए अब हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे होंगे हमने यही प्रोसेस रिपीट करना है एक जाली डालेंगे इक्कीस फंदे सीधे बुनेंगे ये देखिए फिर एक जाली डालेंगे और इक्कीस फंदे सीधे बुन देंगे इक्कीस फंदे सीधे होने के बाद देखिए लास्ट में हमने एक जाली डालनी है और तीन फंदे सीधे बुन लेने एक दो और तीन ये देखिए ये फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की थर्ड रो कंप्लीट हो गई अब देखिए बैक साइड से फोर्थ रो अब फोर्थ रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और नेक्स्ट हमने तीन फंदे उल्टे बुनने एक दो और ये जाली वाला फंदा तीन ये जाली वाला फंदा भी उल्टा आएगा और राइट नीडल में ये हमारे चार फंदे हो गए अब नेक्स्ट हमारा इक्कीस फंदों में पैटर्न आएगा इक्कीस फंदों में से देखिए पहला फंदा उल्टा आएगा धागा पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे आएंगे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा आएगा फिर धागा पीछे तीन फंदे सीधे आएंगे एक फंदा उल्टा आ जाएगा तीन फंदे सीधे फिर एक फंदा उल्टा आ जाएगा धागा पीछे तीन फंदे सीधे आएंगे एक फंदा उल्टा आ जाएगा नेक्स्ट देखे तीन फंदे सीधे फिर देखिए एक फंदा उल्टा आ जाएगा तो देखिए इक्कीस फंदों में ये हमारा पैटर्न आ गया चार फंदे हमने उल्टे बुने और इक्कीस फंदों में देखिए एक फंदा उल्टा तीन फंदे सीधे सेम प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे और नेक्स्ट इक्कीस फंदों में ये पैटर्न रिपीट कर लेंगे एक जाली वाला फंदा उल्टा बुना अब देखिए नेक्स्ट हमने इक्कीस फंदों में सेम प्रोसेस रिपीट करना है एक फंदा उल्टा तीन फंदे सीधे फिर एक फंदा उल्टा आ जाएगा तीन फंदे सीधे आ जाएंगे फिर एक फंदा उल्टा आ जाएगा तीन फंदे सीधे आ जाएंगे एक फंदा उल्टा तीन फंदे सीधे एक फंदा उल्टा तीन फंदे सीधे आ जाएंगे एक फंदा उल्टा आ जाएगा जाली वाला फंदा भी उल्टा आएगा और नेक्स्ट लास्ट के तीन फंदे उल्टे तो देखिए बैक साइड से हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई अब देखिए फ्रंट साइड से फिफ्थ रो अब फिफ्थ रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे और नेक्स्ट हमने तीन फंदे सीधे बुनने, एक दो और तीन ये तीन फंदे हमने सीधे बुने फिर धागा अपनी साइड करेंगे जाली डालने के लिए और नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे बुनेंगे फिर एक फंदा सीधा फिर तीन फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे और एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे आएंगे और एक फंदा सीधा तो देखिए ये इक्कीस फंदों में हमारा पैटर्न आ गया तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा सेम प्रोसेस हम आगे रिपीट करते जाएंगे तो देखिए यहाँ पे धागा अपनी साइड करेंगे जाली डालने के लिए एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर धागा आगे करेंगे अपनी साइड जाली डालने के लिए और देखिए नेक्स्ट हमने 21 फंदों में पैटर्न डालना है एक फंदा सीधा बुनेंगे और तीन फंदे उल्टे बुनेंगे सेम प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे और फ्रंट साइड से अपने फिफ्थ रो कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए फ्रंट साइड से हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई अब देखिए बैक साइड से सिक्स रो अब सिक्स रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और बैक साइड से हमने सिक्स रो में जो फंदे उल्टे होंगे उनको हम उल्टा बुनेंगे और जो फंदे सीधे होंगे उनको हम सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे ये देखिए जो जाली वाला फंदा है इसको भी हमने उल्टा बुनना है ये देखिए फिर धागा पीछे करेंगे और देखिए जो फंदे सीधे हैं उनको हम सीधा बुनेंगे ये तीन फंदे सीधे आ जाएंगे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा आ जाएगा देखिए जो फ्रंट साइड की तरफ से सीधा फंदा है वो बैक साइड से उल्टा आएगा ये देखिए जो फंदे फ्रंट साइड की तरफ से उल्टे हैं वो बैक साइड से सीधे आएंगे सेम प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे और बैक साइड से अपनी सिक्स रो कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए बैक साइड से हमारी सिक्स रो कंप्लीट हो गई अब देखिए फ्रंट साइड से सेवन रो अब सेवन रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे और नेक्स्ट हमने तीन फंदे सीधे बुन लेने तो देखिए एक दो तीन तीन फंदे सीधे बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड करेंगे एक जाली डालने के लिए और एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड करेंगे एक जाली डालने के लिए और देखिए नेक्स्ट सीधा फंदा और उल्टा फंदा दोनों को एक साथ बुनना है तो देखिए सीधा फंदा ऐसे पलटा लेंगे ये देखिए अब दो का एक कर लेंगे दो का एक कर लिया दो का एक फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे करेंगे और नेक्स्ट हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे सीधा फंदा पलटा लेंगे फिर दो फंदे एक साथ बुनेंगे दो का एक करेंगे धागा अपनी साइड करेंगे और दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे सीधे फंदे को हम ऐसे पलटा लेंगे और देखिए दो फंदे एक साथ बुनेंगे और एक फंदा बना लेंगे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे धागा पीछे सीधे फंदे को ऐसे पलटा के लेफ्ट नीडल में डालेंगे और दो फंदे एक साथ बुनेंगे दो फंदे उल्टे बुन लेंगे फिर धागा पीछे सीधे फंदे को पलटाएंगे और दो फंदे एक साथ बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी साइड करेंगे एक जाली डालने के लिए एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड एक जाली डालने के लिए एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी साइड करेंगे एक जाली डालने के लिए एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी साइड करेंगे एक जाली डालने के लिए और देखिए नेक्स्ट फंदे को हमने ऐसे पलटा लेना है और दो फंदे एक साथ बुने दो का एक करेंगे फिर देखिए धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे आ जाएंगे धागा पीछे सीधे फंदे को पलटाएंगे और दो का एक कर लेंगे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे सीधे फंदे को पलटाएंगे दो का एक कर लेंगे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे धागा पीछे सीधे फंदे को पलटाएंगे दो फंदे एक साथ बुनेंगे दो का एक कर लेंगे फिर दो फंदे उल्टे आ जाएंगे धागा पीछे सीधे फंदे को पलटाएंगे और दो का एक कर लेंगे एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा एक साथ बुनेंगे और एक फंदा बना लेंगे फिर उल्टे फंदों को उल्टा बुनेंगे धागा पीछे सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे धागा अपनी साइड एक जाली डालने के लिए एक फंदा सीधा फिर एक जाली डालेंगे और नेक्स्ट फंदे हम सीधे बुन लेंगे ये देखिए फ्रंट साइड से हमारी सेवन थ्रो कंप्लीट हो गई अब देखिए बैक साइड से एट थ्रो अब एट थ्रो में देखिए जो फंदे उल्टे होंगे उनको हम उल्टा बुनेंगे और जो फंदे सीधे होंगे उनको हमने सीधा बुन के कंप्लीट कर लेने। ये देखिए उल्टे फंदों को हमने उल्टा बुना दो फंदे सीधे आ गए फिर धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा आ जाएगा धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे आ जाएंगे सेम प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे और बैक साइड से अपने एट थ्रो कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए बैक साइड से हमारी एट थ्रो कंप्लीट हो गई अब देखिए फ्रंट साइड से नाइन थ्रो अब नाइन थ्रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे नेक्स्ट हम तीन फंदे सीधे बुन लेंगे तीन फंदे सीधे धागा अपनी साइड अब देखिए फिर नेक्स्ट हमने तीन फंदे सीधे बुनने फिर धागा अपनी साइड करेंगे एक जाली डालने के लिए अब देखिए दो फंदे एक साथ बुनेंगे दो का एक कर लेंगे तो सीधे फंदे को ऐसे पलटा के लेफ्ट नीडल में डालेंगे फिर दो फंदे एक साथ बुनेंगे और दो का एक कर लेंगे फिर एक फंदा उल्टा आ जाएगा नेक्स्ट हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे सीधे फंदे को पलटाएंगे और दो फंदे एक साथ बुनेंगे फिर धागा अपने साइड एक फंदा उल्टा फिर देखिए सीधे फंदे को पलटाएंगे और दो फंदे एक साथ बुनेंगे फिर एक फंदा उल्टा आ जाएगा धागा पीछे सीधे फंदे को पलटाएंगे ऐसे फिर देखिए सीधा फंदा और उल्टा फंदा एक साथ बुनेंगे और एक फंदा बना लेंगे फिर एक फंदा उल्टा आएगा फिर सीधे फंदे को पलटाएंगे और दो का एक कर लेंगे फिर धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी साइड करेंगे जाली डालने के लिए और तीन फंदे सीधे एक दो तीन फिर जाली डालेंगे एक और एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर जाली डालेंगे और तीन फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन फिर जाली डालेंगे और देखिए नेक्स्ट फंदे को ऐसे पलटा लेंगे फिर दो फंदे एक साथ बुनेंगे और दो का एक करेंगे फिर एक फंदा उल्टा धागा पीछे सीधे फंदे को पलटाएंगे और दो का एक कर लेंगे फिर एक फंदा उल्टा आ जाएगा धागा पीछे सीधे फंदे को पलटाएंगे और दो का एक करेंगे फिर एक फंदा उल्टा धागा पीछे सीधे फंदे को पलटाएंगे, दो का एक कर लेंगे फिर एक फंदा उल्टा आ जाएगा फिर सीधे फंदे को पलटाएंगे दो का एक कर लेंगे फिर एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड जाली डालने के लिए और नेक्स्ट हमने तीन फंदे सीधे बुनने एक दो तीन फिर एक जाली डालेंगे और लास्ट के फंदे सीधे बुनेंगे तो देखिए ये फ्रंट साइड से हमारी नाइन रो कंप्लीट हो गई अब देखिए बैक साइड से टेंथ रो अब टेंथ रो में देखिए जो फंदे उल्टे होंगे उनको उल्टा बुनेंगे और जो फंदे सीधे होंगे उनको हमने सीधा बुनना है सेम प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे और बैक साइड से अपनी टेंथ रो कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए ये उल्टे फंदों को हमने उल्टा बुना फिर एक फंदा सीधा आ जाएगा धागा अपनी साइड करेंगे एक फंदा उल्टा आ जाएगा एक फंदा सीधा आ जाएगा फिर एक फंदा उल्टा आ जाएगा सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे ये देखिए बैक साइड से हमारी रो कंप्लीट हो गई टें थ्रो में देखिए जो फंदे सीधे थे हमने उनको सीधा बुना जो फंदे उल्टे थे उनको हमने उल्टा बुनते हुए टेंथ रो कम्प्लीट की अब देखिए फ्रंट साइड से इलेवन थ्रो इलेवंथ रो में देखिए एक फंदा उतारा और फिर तीन फंदे सीधे बुने धागा अपनी साइड किया और देखिए नेक्स्ट हमने पांच फंदे सीधे बुने एक दो तीन चार और पाँच फिर जाली डालेंगे और देखिए दो का एक करेंगे सीधे फंदे को ऐसे पलटाएंगे और दो फंदे एक साथ बुनेंगे ये दो का एक किया फिर नेक्स्ट देखिए दो फंदे एक साथ बुनेंगे फिर नेक्स्ट सीधे फंदे को पलटाएंगे, दो फंदे एक साथ बुनेंगे फिर नेक्स्ट देखिए सेम प्रोसेस रिपीट होगा दो का एक कर लेंगे फिर दो का एक करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे तो देखिए इक्कीस फंदों में हमारा पैटर्न आ गया धागा अपनी साइड जाली डालने के लिए और देखिए नेक्स्ट हमने पांच फंदे सीधे बुनने एक दो तीन चार पांच पांच फंदे सीधे फिर एक जाली डालेंगे एक फंदा सीधा फिर एक जाली डालेंगे पांच फंदे सीधे एक, दो तीन चार और पाँच फिर एक जाली डालेंगे नेक्स्ट फंदा ऐसे पलटाएंगे और दो का एक कर लेंगे फिर नेक्स्ट सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे दो का एक करेंगे फिर दो का एक कर लेंगे नेक्स्ट देखिए दो, दो का एक कर लेना है दो का एक करेंगे फिर एक फंदा सीधा आ जाएगा धागा अपनी साइड करेंगे जाली डालने के लिए और लास्ट के फंदे सीधे बुन लेंगे ये देखिए फ्रेंड साइड से हमारी इलेवंथ रो कंप्लीट हो गई अब देखिए बैक साइड से ट्वेल्थ रो अब ट्वेल्थ रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से हमने ट्वेल्थ रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है सेम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे और बैक साइड से अपनी ट्वेल्थ रो कंप्लीट करेंगे ये देखिए ये बैक साइड से हमारी ट्वेल्थ रो कंप्लीट हो गई ट्वेल्थ रो को हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट किया अब देखिए फ्रंट साइड से थर्टीन रो अब थर्टीन रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा थर्टीन रो को हमने फर्स्ट रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट करना है बैक साइड से जो फोर्टीन रो आएगी उसको हम सेकेंड रो की तरह बुनते हुए कम्प्लीट करेंगे इस तरह हम अपने पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे और बन के देखे हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखिए बहुत ही सुंदर बहुत ही आसान पैटर्न है आप इस पैटर्न को लेडीज़ और गर्ल्स के ऑल प्रोजेक्ट में बॉर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक यू